हेलो गाइस, तो आप सभी कैसे हो। और आज का वीडियो है गोरखपुर पुणे वीकली सुबह फर्स्ट एक्सप्रेस और इसका ट्रेन नंबर है 15029 एंड एक्टिविटी बाय आशीष तेजवानी जी और इतिहासी से खंडवा जंक्शन तक चलाएंगे। और दोस्तों अभी इतिहासी स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 दिया गया है। और गाइस अच्छे से देखिए, मैंने अभी F7 दबाने से जो क्लियर इंडिकेटर है वो ऑन हो जाता है। तो जबलपुर हमसफर एक्सप्रेस का जो रेक है अभी इतिहासी में जा रहा है, तो बहुत मस्त है दोस्तों। और हम लोग खंडवा तक चलाएंगे इस ट्रेन को और प्लेटफॉर्म नंबर 2 हम लोगों को मिला है। और लिस्ट से ही हम लोग जाते हैं पैसेंजर व्यू में। भाई पैसेंजर व्यू बहुत मस्त लगता है मुझे। और गाइस थोड़ा साइड में जाते हैं और एक तो पैरेलल लेस देखने को मिल रहा है आज हम लोगों को, और समथिंग लाइक वेव फोर देखना होगा किस शेड का होगा। ये मुगल सराय का है और मुगल सराय का वेव फोर है और मुंबई 60 जबलपुर हमसफर एक्सप्रेस का जो रेक है ये शंटिंग पर्पस के लिए या सच में ये एक हॉल्टिंग से हॉल्ट से हॉल्ट करेगा ये ट्रेन, मतलब स्टेशन में हॉल्ट कर लेगा। और मैंने जैसे एक चीज़ ऑब्जर्व किया है, जो हमसफर एक्सप्रेस के साथ एक राजधानी एक्सप्रेस का तो पेंट्री रहेगा। लेट्स चेक करते हैं अभी। बट दोस्तों जो इसका जो पैरेलल रेस है बहुत मस्त है, एकदम खूबसूरत, एकदम मस्त लगता है मुझे। और गाइस अभी जो स्पीड लिमिट है ट्रेन का अभी 15 किलोमीटर पर आवर का है, तो आप एक कैलकुलेशन कर लीजिए, थोड़ा लेट हो सकता है सेशन में। और गाइस अभी जो सिग्नल है सिग्नल रेड हो जाएगा कई जगहों में। और मैंने पैसेंजर व्यू लेफ्ट में रखा है क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा पैरेलल रेस दिखाऊंगा, देखते हैं कौन इतिहासी स्टेशन में फर्स्ट आता है। बट मोस्टली जितना पॉसिबल चांस रहेगा हमसफर एक्सप्रेस के पहले हम लोग चलाएंगे। पर दोस्तों जैसे जो इधर में जो साइन है, साइन बोर्ड 15 किलोमीटर पर आवर का और ट्रैक मीटर में भी 15 किलोमीटर पर आवर का है, तो मतलब आपका खंडेश रूट बहुत मस्त है, एकदम रियलिस्टिक है दोस्तों। और मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ रमेश महाजन जी को। और ये रूट आपको पेवर है तो आपको ख़रीदना होगा ज़रूर है, और ये पायरेसी नहीं होता इस रूट का, तो आप लोग प्लीज़ किसी को मत देना इस रूट, मतलब पर्सनली इस रूट को शेयर नहीं कर सकते हो आप लोग, तो आप लोग को ख़रीदना होगा। और आप सजेस्ट कर सकते हो दोस्तों को कि आप ख़रीद के देखिए, बहुत अच्छा होगा। और एक ही चीज़, आप पायरेसी मत करना भाई, बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मतलब हार्ड वर्किंग लगता है फिर ही एक रूट बनता है, तो आप प्लीज़ इस बात को रख कर चलिए। और नागपुर CBC AC फेस्टिवल ऐसे वाया वर्धा, और देखना होगा किस टाइप का होगा AC एक्सप्रेस। और हमारे लेफ्ट साइड में भी मैंने स्किप कर दिया था दोस्तों, गलती हो गया था, मैंने पैरेलल रेस उतना लॉन्ग ड्यूरेशन में नहीं दिखा, तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और जैसे मैंने बताया था उसके आगे हम लोग ही जाएंगे। और ये हमसफर एक्सप्रेस सम वेब 5 के साथ ही है और हो सकता है बड़ौदा से BRC रायसन में। राइट नाउ कूल फ्राइट विथ वेब 5, हाँ वेब 5 होगा। मतलब एकदम ही रियलिस्टिक। और दोस्तों जैसे वो रुक गई है और हमारा अभी भी डिस्टेंस समथिंग लाइक 40 meters, दैट्स इंसेन। इतिहासी स्टेशन में तो इतना होल्डिंग टाइम लगेगा और थोड़ा लेट हो चुका है, आउटर में बहुत समय गवा दिया मैंने, आप देख ही सकते हो थोड़ा लेट आ गया मैं,
क्योंकि इटारसी जंक्शन में इसका हॉल्टिंग टाइम थोड़ा मतलब एवरेज रहता है, थोड़ा कम भी नहीं थोड़ा ज़्यादा भी नहीं, मीडियम। और मिनिमम इसको तो 5 मिनट मिलता है इटारसी स्टेशन में। जैसे हम लोग मतलब मेरा तो कुछ बोलने का नहीं है, बहुत लेट ही कर दिया आउटर में। हाँ ये तो पैरेललेस आपको देखने को मेन नहीं मिलता, तो चलिए हम लोग थोड़ा स्किन को स्किप करते हैं इस जगह से, जाते हैं थोड़ा इस वाला व्यू में। और जैसे आप देख ही सकते हो हमारा पैसेंजर बोर्डिंग भी कंप्लीट हो ही जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने हॉर्न तो बजा लिया है, तो लेट्स डिपार्ट। और दोस्तों अभी एक पैरेलल रेस हो जाएगा सीएसटी जबलपुर हमसफर एक्सप्रेस के साथ। और गाइस ये शंडिंग के लिए नहीं है, मैं तब गलत बता दिया था आपको, अब गाइस माफ कर देना। दोस्तों आप सजेस्ट कर सकते हो फ्यूचर में किस टाइप का मैं वीडियोस बनाऊंगा। अब गाइस ये चीज़ तो ज़रूर होता है, मैं आपका रिक्वेस्ट वीडियो थोड़ा टाइम लगता है या कभी कभी मैं स्किप ही कर देता हूँ, तो माफ़ कर देना दोस्तों। तो मैं ट्राई करूँगा क्योंकि आपका जो रिस्पॉन्स है बहुत ह्यूज है, तो थोड़ा तो टाइम लग जाएगा मुझे। अब गाइस हम लोग लूप लाइन से मेन लाइन में आ चुके हैं। और जो इटारसी का लूप लाइन, बेसिकली ये लूप लाइन नहीं होता है, और लूप लाइन थोड़ा डिफरेंट लगता है एज पर मेरा ऑब्जर्वेशन। और भाई लोग आप देख ही सकते हो कितना रियलिस्टिक है खंदेश रोड। और वेब 5 नवजागरण P5, मैंने तब तो बड़ौदा बता दिया था, BRC शीट का गलती हो गया था तब, एंड P5। और फिर से दोस्तों अभी कुछ अपकमिंग या जिंक होगा हमारे साथ। अब गाइस मैं तब बताया था खंदेश मतलब खंदेश रूट बहुत मस्त है, और खंडवा जंक्शन 166 किलोमीटर्स बाकी है डिस्टेंस में। तो मैं ट्राई करूँगा फुल वीडियो बनाऊँगा, बट अब गाइस 166 किलोमीटर्स कौन चल रहा था यूट्यूब में, तो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो। तो मैं ट्राई करूँगा Part 2, Part 3 ऐसे बनाऊँगा। और सम EMBWDP4D। अब गाइस ये पनवेल हबीबगंज स्पेशल कुछ एक्सप्रेस होगा। और P5 तो आप देख ही सकते हो P5 के आगे हम लोग हैं अभी। अब गाइस हमसफर एक्सप्रेस है तो इसका गति बहुत रहना चाहिए था। और अब गाइस देख ही सकते हो जो इसका लाइन है वो उस तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा। इटारसी जंक्शन था। अब गाइस इस अब ये देखना होगा उसको उस लाइन में जाना होगा, या हम लोग देखेंगे वो लेफ्ट लाइन में आएगा वो, नहीं तो वो उस लाइन में जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए खंदेश रूट थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा, उसके साथ जो उसका भाई लोग जो स्पीड लिमिट है उसको इग्नोर करेंगे प्रॉब्लम आ जाएगा, यही मेरा डर है। तो एक्टिविटी क्रैश भी हो सकता है, एक्टिविटी मतलब एरर भी आ सकता है आपका एक्टिविटी में। अब गाइस ये सीन तो आप मिस नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये सीन बहुत मस्त है, मैंने जैसे आपको बताया था। ये देखो इसका लाइन चेंज हो रहा है, अभी हो रही है। अब गाइस इस सीन में बहुत स्लो ट्रेन है, बहुत ही स्लो है इस जगह में ट्रेन। और हम लोगों का आई गेस हमारा जो ट्रेन है सबसे ज़्यादा गति है, मतलब स्पीड थोड़ा ज़्यादा है और सभी का स्लो है, और इसका गति बहुत ही कम है, एकदम ही कम है। तो इसको पीछे छोड़ते हैं और हम लोग चलेंगे आगे। और फिर से दोस्तों अभी तक भी आपका स्पीड लिमिट 15 ही है, तो आप Part 1 वीडियो थोड़ा
पार्ट वन इस वीडियो में पार्ट वन जो है मतलब आपका स्लो सेक्शन देखने को मिलेगा, स्लो स्पीड देखने को मिलेगा। चलिए खुशखबरी आ चुका है और लिखा है 45 किलोमीटर पर आवर। भाई बेइज्जती हो जाएगा मेरा और सब लोग बोलेगा आप तो नेक्स्ट टाइम इस ट्रेन को मत चलाना क्योंकि अभी तक तो बहुत ही लेट है दोस्तों, एकदम बहुत ही लेट है। मतलब मुझे भी समझ नहीं आता, हो सकता है इसके पहले भी एक ट्रेन जा चुका है इटारसी स्टेशन से, इसलिए हम लोगों को थोड़ा फेस करना होगा अभी के लिए। गाइस फिर से भी चल जाएगा, एंड नागपुर सीबीएसई एसी फेस्टिवल एसएफ एक्सप्रेस वाया वर्धा अभी तक तो दिखाई दे रहा है हम लोगों को। बहुत पहले से एक क्लियर इंडिकेटर में तब देख मतलब मैंने ऑब्जर्व किया था तब से, अभी तक सेम ही है। और दोस्तों जो इटारसी से जो खंडवा जंक्शन का जो सेक्शन है क्लियरेंस कभी कभी मिलता है और स्पीड लिमिट तो बहुत कम है, बट ठीक ही है अभी 80 का मिला है तो स्पीड थोड़ा इंक्रीज हो ही जाएगा हमारे लिए। और एसी एक्सप्रेस आई गेस ये कोई कुछ राजधानी एक्सप्रेस का लिवरी होगा। ओके, जैसे मैंने बताया था तब से जो क्लियर इंडिकेटर है तब से चल रहा है, मतलब इसका गति बहुत ही है जो फेस्टिवल एक्सप्रेस है। और चलिए हम लोगों को 110 का अनुमति मिल चुका है तो चलिए चलाते हैं ट्रेन को और जल्दी से। और गाइस आज लेट नहीं होगा, हम लोग बहुत धीरे से नहीं चलाएंगे, हम लोग बहुत अच्छे से चलाएंगे। हाँ आपको मेंटेन करना होगा किसी जगह में, आपका जो स्पीड लिमिट है उसको फॉलो करना होगा नहीं तो आपका भरोसा टूट जाएगा जो यात्रीगण है। अब गाइस इधर में जो ओवरटेक है बहुत मस्त होगा, आप लोग देख के जाना। वाओ ये फर्स्ट टाइम है जो इसी एक्सप्रेस के साथ एक अच्छे ओवरटेक विद आई सेफ कोचेस। आप गेस कर सकते हो ये P7 मिलेगा वेब 4 या P5, आई गेस वेब 7 हो सकता है या अब गाइस मेरा गेसिंग तो मेरा इतना अच्छा नहीं है गेस करने के बाद। अब मेरे साथ ही नहीं होता, आपके साथ भी होता, जब आप गेस करते हो तब कई कई जगह में थोड़ा गलती भी होता है, कभी कभी सच में नहीं होता। तो जैसे मैंने बताया था P7 मतलब वेब 7 अभी देखने को मिला वेब 4। हाँ मैक्सिमम टाइम में आपका एसी एक्सप्रेस के साथ वेब 4 देखने को मिलता है तो एक कॉमन चीज़ है। अब देखो इस खंदे शूट को लगता है ना एकदम रियलिस्टिक, तो मेरा सजेशन है आप एक बार ट्राई करके देखना, एक मतलब आपका बजट है तो हो जाएगा 1000 के नीचे या ऊपर, मतलब ये रूट बहुत ही अच्छा है, आप ट्राई करके देखना। प्राइजिंग के लिए आप रमेश सर को प्लीज़ मतलब आप कॉल करके देखिए, उनको कांटेक्ट कीजिए, आपका व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर में भी आप डिटेल्स मिल जाएगा। और तो पीछे जो था VTA शेड का WDM 3D और ये स्टैटिक था, मतलब ये नहीं चलेगा, ओनली जो आपका कंसिस्ट है उसको सिंपली प्लेस कर दिया है। और दोस्तों ये रूट मेरा मतलब बहुत टाइम हो चुका है, मैंने इस रूट को नहीं खेला है और ये मैंने सितंबर में ख़रीदा था रूट को, तो मेरे लिए उतना आइडिया नहीं है। तो आप
इस मतलब महाराष्ट्र का जो खंडेश्वर का जो सेक्शन है आप लोग जानते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और जो ट्रेन चलता है इस रूट में तो आप सजेस्ट करना किस टाइप का वीडियोस आएगा फ्यूचर में, और कुछ ट्रेन का नाम बताना मतलब जर्नी रिलेटेड वीडियोस। तो मैं एक काम करूँगा, जो रूट्स होता है मैं उसका डिवाइड कर दूँगा, और उसी रूट में आप जो सेक्शन है आप ट्रेन का नाम सजेस्ट कर सकते हो, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगा। मेरे लिए तो वो अच्छा आइडिया है, तो आपके लिए अच्छा आइडिया है तो आप कमेंट करके देखिए, नहीं तो आपका कुछ सजेशन होगा तो आपका फीडबैक वेलकम है। तो WF4 का जो साउंड है बहुत ही मस्त है, चलिए देखते हैं फ्री कैमरे मूड में। और सो दो गाइस अभी 100 के ऊपर ही है स्पीड, हाँ 100 के ऊपर ही है। तब मैंने नोटिस किया था आपका ग्रीन सिग्नल नहीं था और स्पीड लिमिट बहुत ही कम था, और आपका अभी 110 का है, बहुत अच्छा बात है। और सिग्नल अब जो इसका जो सेक्शन है इसका मतलब ये सेक्शन बहुत क्लियर है। खुशीनगर SF एक्सप्रेस WCAM 3 आई गेस, चलिए राइट साइड में, और इधर में पैसेंजर व्यू बहुत मस्त लगता है, आप देखिए आज का एक अच्छा जोश था। कल्याण शेट का जो लोको था अभी क्रॉस किया है, और चलिए जूम करके चेक करते हैं कौन सा लोको होगा। यस और ये फ्राइट ट्रेन था, और ये स्टेशन है दुलारिया। अब गाइस मेरे से तो ये प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कैसे होगा प्रोनाउंसिएशन मैं नहीं जानता, तो आप लोग बोल देना कैसा है, मैंने कुछ गलत बताया तो प्लीज़ बोल देना। तो पनवेल गोरखपुर SF एक्सप्रेस तो हम लोग को उसे जिंग नहीं करेगा, मतलब इसके आगे ये ट्रेन है गोरखपुर SF एक्सप्रेस, और हम लोगों का भी ट्रेन गोरखपुर SF एक्सप्रेस है जो पुणे जाता है, और ये ट्रेन पनवेल जाता है। असम EMD WDV 4D विथ गोरखपुर पनवेल AC एक्सप्रेस फर्स्ट एक्सप्रेस। अब गाइस मेरे मुंह से तो हमेशा AC एक्सप्रेस ही निकलता है जब भी वापस मतलब वर्ड टर्म रहता है, और अब देख ही सकते हो मतलब डिटेलिंग लेवल एकदम धासु है। आई होप आपका वैकेशन भी आ चुका है, और अभी नवरात्रि भी चल रहा है तो बहुत मज़ा आएगा आपको, और स्कूल भी कई जगह में छुट्टी हो चुका है, जैसे वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा का भी छुट्टी आ ही चुका है, और आप वेकेशन भी बहुत मस्त एक अच्छा मूड में इंजॉय कर रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है। तो दोस्तों अभी LTD गोरखपुर SF एक्सप्रेस हम लोगों के साथ जिंग करेगा, और चलिए पैसेंजर व्यू में, एक असली मज़ा तो पैसेंजर व्यू में आता है, तो पैसेंजर व्यू में ये चीज़ होता है तो आपको जो फ्री कैमरे मोड में उतना अच्छे से नहीं दिखता, मतलब उतना अच्छे से रियलिस्टिक नहीं लगता है जो फ्री कैमरे मोड के साथ पैसेंजर व्यू में आता है। राइट ना हम पैसेंजर व्यू में हैं, WF5 बड़ौदा शेड, गाइस। और एक चीज़ जो इमिस्टेस है, ये आपका PC बेस्ड गेम है तो आप मत कमेंट कीजिए क्या मेरा एंड्रॉयड ओरियो में इमिस्टेस चलेगा, सो ये आपका नहीं चलेगा। सो आपका ये PC गेम है तो आपका कंप्यूटर अच्छा है, जैसे मैंने मेरा जो दोस्त लोग हैं जो आप ही कमेंट करते हो, जो एक की एक कमेंट है क्या लैपटॉप में 2 GB रैम में ये गेम चलेगा, हाँ चलेगा। आपका ओपनलेस का जो सेटिंग्स है उसमें थोड़ा ट्वीकिंग करना होगा और मॉडिफिकेशन तो ज़रूर करना होगा, नहीं तो
लैग आएगा, क्योंकि ओपनएआई से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो उसको फॉलो करके जो इमेसिस का जो इंजन है उसी से चलता है। अब गाइस जो ग्राफिक्स है इस गेम का बहुत एक्सट्रीम लेवल का है, तो आपको ग्राफिक्स का अच्छा होगा तो आप इंजॉय कर सकते हो इस रूट को और इस गेम को। और मौसम भी बहुत अच्छा है, कूल वेदर है बहुत। चलिए फ्री कैमरे मोड में कैसा लगता है इस ट्रेन को। और गाइस इस जो इसका जो कोचेस साउंड और जो चगिंग साउंड कुछ भी हो, एएमडी और एलएचबी का साउंड, मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ दिवान चतुर्वेदी जी को, क्योंकि उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है, मतलब इतना हार्डवर्किंग से जो इतना trainsim.com में इतना साउंड वर्क मतलब अपलोड किया है, उतना भी थैंक्स कम है मेरे लिए। तो थैंक यू जी, तो आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, मतलब आपने एक अच्छा इमेजिस को एक अच्छा जगह में लाया है, मतलब अच्छा मुकाम में। सो यही बात है, अगेन कुछ फ्राइड ट्रेंस देखने को मिलेगा अभी। और खंडवा जंक्शन तो बहुत दूर है हमारे लिए, और इमेजिस में तो 100 किलोमीटर हमारे लिए बहुत ही होता है। और जो जगह था ना आपका इतासी आउटर में, तभी हमारा टाइम वेस्ट हो गया था, क्योंकि हमारा जो फ्रंट में जो ट्रेन था वही स्लो जा रहा था, तो हमारा तो लेट, मतलब लिखा ही था हमारा लेट होगा आज। अगेन विथ सम फ्राइड ट्रेन। एंड गाइस आप सजेस्ट करना किस टाइप का वीडियोस देखना चाहते हो, तो मैं आपके साथ किसी और एक टॉपिक के साथ नया वीडियो के साथ आऊँगा। तो आज के लिए मैं ट्राई करूँगा इतना ही, तो और देखते हैं और कितना तक हो सकता है। अब गाइस मैं एक चीज़ फिक्स कर लिया है, जो है मैं कमेंट्री का जो वीडियोस है मैं 20 मिनट्स के नीचे रहूँगा, क्योंकि यार उतना फ्लुएंटली मेरा कमेंट्री नहीं तो नहीं होता, तो मैं ट्राई करूँगा जितना भी मेरा कमेंट्री होता है। अब गाइस आज के लिए इतना ही, आपको वीडियो तो बहुत पसंद आया होगा, तो हम लोग जो खंडवा जंक्शन जब आएंगे तभी उतर जाएंगे इस ट्रेन से, तब आप भी सफ़र करना इस ट्रेन में, और मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो बाय कह दो इस ट्रेन को, और अपना ध्यान रखना, मेरे वीडियोस एज इट इज जैसे देखते हो तो देखते रहना, और गाइस बेल आइकन को दबाना जो मेरा फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो व्यूअर तो मैं बोलूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरा एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है सो लाइक ठोक देना, डिसलाइक लाइक कुछ भी ठोक देना, बट मुझे देखना चाहिए। एम रखते हैं 50 लाइक्स के ऊपर ही, तो इतना लाइक्स तो काफ़ी है हमारे लिए। अब गाइस लास्ट सीन तो देखते रहना, देखिए जाना। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।